नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं डॉक्टर विवेक एक बार आपका फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एनीमिया के बारे में बताऊंगा और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो चलिए, एनीमिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर लेडीज के केस में एनीमिया जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। लगभग 50-60% जो लेडीज रहती हैं वो सफ़र करती हैं एनीमिया से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो रहता है वो एक ज़्यादातर पाया जाता है। एडोलसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 60-70% जो एडोलसेंट गर्ल्स रहती हैं वो एनीमिक पाई गई हैं स्टडीज़ के दौरान। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि इसका मेन कारण क्या रहता है। तो सबसे मेन कारण तो ये रहता है कि हमारा जो डाइट है वो प्रॉपरली हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, कुछ केसेस में ये भी होता है कि डाइट तो प्रॉपर है बट वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का जो आप ले रहे हैं अपनी डाइट में आयरन, वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। तीसरा, हम बात करते हैं इन केसेस में कि जैसे लेडीज के केस में बहुत स्वीर ब्लीडिंग रहती है गेहूँ को, तो वो भी एक कारण होता है एनीमिया का। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी अक्सर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ एक केसेस में कई बार वॉर्म इन्फेस्टेशन जो रहता है वो भी मेन कारण होता है एनीमिया का। तो दोस्तों ये मेन मेन कॉजेज रहते हैं जिसका करके जो एनीमिया है वो बहुत कॉमन हो चुका है हमारे आज के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में। अब अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो दोस्तों वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं एनीमिया के लिए, बट जो मैं आपको मेडिसिन आज बताऊंगा दोस्तों वो ये है SBL की फेमिन टेबलेट्स करके। ये आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। इस तरह की पैकिंग में आता है, टेबलेट फॉर्म में है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों एनीमिया को कवर करने के लिए। तो इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 2-3 टेबलेट आप इसको दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। जैसे आपने मेडिसिन शुरू की तो लगभग 3-4 महीने के बाद आप अपना दोबारा से अपना HP टेस्ट करवा सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि अब आपका जो HP लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका है तो उसके बाद आप ये मेडिसिन बंद कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है HP को बढ़ाने के लिए और इस मेडिसिन का आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मीन्स ये कोई भी साइड इफेक्ट इस मेडिसिन का नहीं है। तो आप ये मेडिसिन बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप का जो पेशेंट है वो इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था फेमिन टेबलेट्स SBL फार्मा की एनीमिया के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक लगा हो। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी मेडिसिन को लेके, किसी मेडिसिन को लेके या किसी प्रॉब्लम को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।